हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल रस के गेमिंग में। दोस्तों आ चुका हूँ मैं आज एक और नया इंटरेस्टिंग वीडियो लेके, और आज मैं इस वीडियो में लेके आया हूँ वन ऑफ द बेस्ट कैरेक्टर इन फ्री फायर, जो कि है हमारा डीजे आलोक। दोस्तों मैं लेके आया हूँ डीजे आलोक की स्किन अपने GTA San Andreas Android। तो अगर आप भी डालना चाहते हैं अपने डीजे आलोक को GTA San Andreas में, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि और बेस्ट इंटरेस्टिंग गेमिंग वीडियोस आपको मिलते रहे। तो बिना कुछ देर की मॉडिंग स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन में मैंने स्किन की लिंक दी, वहाँ के आप इसे डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद आपने फोल्डर ओपन कर लीजिए जहाँ आपने इसे डाउनलोड करके रखा है। ये रहा, आपको यहाँ डीजे आलोक ऑन GTA San Andreas Android की एक 7Z फाइल मिल जाएगी। इस फाइल के ऊपर आपको टैप करना है, और टैप करने के बाद आपको यहाँ क्लिक कर देना है एक्सट्रैक्ट हेयर में। एक्सट्रैक्ट हेयर में क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ एक फोल्डर मिलेगा डीजे आलोक का, इसको ओपन करने के बाद आपको यहाँ DFF और टेक्सचर्स मिलेंगे। सबसे पहले हम अपना DFF इंपोर्ट करेंगे। उसके लिए अपना IMG टूल ओपन कर लीजिए। उसके बाद आपको यहाँ एक ऑप्शन मिलेगा ओपन IMG का, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको स्क्रॉल डाउन करके जाना है Android, फिर डेटा, उसके बाद जाना है com.rockstar.gta.se, फिर TextDB, उसके बाद आपको यहाँ क्लिक कर देना है gt3.img और सेलेक्ट कर देना है। आपको फिर से यहाँ ट्रिपल डॉट में क्लिक करना है, और यहाँ से आपको क्लिक करना है हेड फाइल्स विथ रिप्लेस। उसके बाद आप बैक आ जाइए और अपना वो डीजे आलोक का फोल्डर ओपन कर लीजिए। ये रहा, और यहाँ DFF का फोल्डर ओपन करें तो आपको यहाँ DFF मिल जाएगा, bbthin.dff करके, इसको आपको सेलेक्ट कर देना है। और उसके बाद दोबारा ट्रिपल डॉट के ऊपर क्लिक करनी है, और आपको जाना है यहाँ रीबिल्ड में, और यहाँ हमारी जो IMG है GT3.img वो रीबिल्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, इसलिए मैं वीडियो को स्किप नहीं कर रहा हूँ। रीबिल्डिंग कंप्लीट हो जाने के बाद, उसके बाद आप अपना TXT टूल ओपन कर लीजिए। TXT टूल ओपन करने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा फाइल का, इस ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक करना है, और उसके बाद आपको फिर जाना है Android, फिर डेटा, फिर सर्च करना है com.rockstar.gta.se, फिर फाइल्स, TextDB, GT3, फिर GT3.txt के ऊपर आपको क्लिक करना है और सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ फिर से प्लस के ऊपर क्लिक करना है, और आपको यहाँ क्लिक करना है फ्रॉम इमेजेस, फिर आपको यहाँ जाना है विथ अल्फा। उसके बाद आप अपना फोल्डर ओपन कर लीजिए जहाँ आपने डीजे आलोक का स्किन रखी थी। आपको यहाँ मिल जाएगा टेक्सचर्स का, ये रही ये हमारे सारे टेक्सचर्स, इसको आपको ऑल सेलेक्ट कर देना है और उसके बाद यस कर देना है। इसके बाद यहाँ आपको करना है ओवरराइट में क्लिक कर देना है, एनिमल कॉन्वेंट हटा दीजिए, रिड्यूस टेक्सचर साइज भी हटा दीजिए और ओके कर दीजिए। यहाँ हमारी इंपोर्टिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो दोस्तों देख सकते हैं हमारे टेक्सचर्स इंपोर्ट हो चुके हैं। तो चलिए अपना गेम ओपन कर लेते हैं और देख लेते हैं कि हमारे टेक्सचर्स आ चुके हैं। तो आ चुके हैं हम अपने गेम के अंदर, और ऊपर से नीचे स्वाइप डाउन कर लीजिए, और यहाँ आपको सेलेक्ट करना है स्किन सेलेक्टर, और यहाँ आपको एक फिफ्थ ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है और सेलेक्ट कर लेना है। और यहाँ हमको डीजे आलोक मिल चुका है, फ्री फायर का कैरेक्टर। तो आशा करता हूँ मेरा वीडियो आपको पसंद आया। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को SK गेमिंग और भी ऐसे इंटरेस्टिंग गेमिंग वीडियोस के लिए। और हाँ दोस्तों, अगर आपको और कोई नए मोड्स चाहिए तो प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं ज़रूर वो मोड लेके आऊँगा।